खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पुरवा थाना क्षेत्र के गोदरवा के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रिक्शा में सवार एक ही परिवार के लगभग दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए CHC भेजा, जहां डॉक्टर ने एक महिला को मृत्यु घोषित कर दिया। बाकी की हालत गंभीर देखते हुए बाकी को पुरवा CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट की सूचना पर CO समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार पुरवा थाना क्षेत्र में निहाल बाबा का बड़ा मेला लगा है। इस मेले में बाबा के दर्शन करने के लिए मोरावा थाना क्षेत्र के मोहनखेड़ा गांव से ही एक ही परिवार के एक दर्जन लोग ई रिक्शा बुक करवा कर पुरवा थाना क्षेत्र की ओर आ रहे थे। वह गोदरवा के पास ही पहुंचे थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई रिक्शा में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुरवा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी पुरवा दीपक सिंह, इंस्पेक्टर सुरेश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एम्बुलेंस की मदद से सभी को उपचार के लिए पुरवा CHC भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 21 दिसंबर 2023 को समय करीब 12 बजे थाना पुरवा क्षेत्र अंतर्गत पुरवा अचलगंज मार्ग पर ग्राम गदरवा के निकट एक डंपर व ई रिक्शा के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक चालक व 10 ग्राम मोहन खेड़ा मोरावा के रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं। थाना सूचना पर थाना पुरवा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के उस डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। वह सभी घायलों को CHC पुरवा भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।